Warm welcome to this session. Now our topic today is spiritual counseling. Okay. So this is spiritual counseling, it is ahead of a psychological counseling. So first we will see ki spiritual counseling hota kya hai, kaise hum isko define kar sakte hain. Firstly, so spiritual counseling that attempts to treat a person's soul as well as mind and body, and it makes it to a very high level. Means actually spiritual counseling में हम क्या करते हैं कि हम उसको एकदम high authority से, high power से हम उसको connect करते हैं. पहले हम उनको ये बताते हैं कि who you are. पहले अपने खुद से उनको connect करते हैं, ठीक है? The body से connection नहीं होता है इसमें. पहले हम खुद से connect करवाते हैं उनको the soul, जो कि main energy है, और उसको high energy से connect करके फिर हम उनकी counseling करते हैं. That is a spiritual counseling. इसको अगर इस तरह से डिफाइन करना चाहे तो इट अटेम्प्ट्स टू ट्रीट अ पर्सन सोल एज वेल एज माइंड एंड बॉडी बाय असेसिंग इंडिविजुअल बिलीफ सिस्टम एंड यूजिंग दैट फेथ इन अ हायर पावर टू एक्सप्लोर एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन लाइफ. दैट इज अ स्पिरिचुअल काउंसलिंग. अभी स्पिरिचुअल काउंसलिंग करना क्यों है? अभी स्पिरिचुअल काउंसलिंग करने के लिए ठीक है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग ही क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत अलग है. इसके बेनिफिट्स अभी जस्ट फ्यू बेनिफिट्स जो है मैं यहाँ पे आपको डिटेल करती हूँ. फर्स्ट, स्ट्रेस रिलीफ. सेकंड, इंक्रीज्ड असर्टिवनेस. थर्ड, रीगेनिंग इमोशनल बैलेंस. बेटर रिलेशनशिप, ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेस एंजाइटी एंड एबिलिटी टू सेट बाउंड्रीज. अभी ये तो हो गया इस तरह से जस्ट हमने इसको डिक्टेट कर लिया, लेकिन इसको करेंगे कैसे तो वो भी मैं आपको बताती हूँ. एक और स्पिरिचुअल काउंसलिंग के बारे में एक छोटा सा अगर हम बोलेंगे कि इट इज अ स्टेप अहेड ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल काउंसलिंग इज कंपैरेटिवली मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल. हेंस आई थॉट ऑफ शेयरिंग माय आइडियाज विद द इंटेंशन दैट मोर एंड मोर पीपल शुड बिकम सक्सेसफुल, हेल्दी एंड लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी एंड हैव कॉर्डियल रिलेशन इन देयर लाइफ. दिस इज द मेन एम ऑफ अ स्पिरिचुअल काउंसलिंग. Why and when do we need counseling? ठीक है, काउंसलिंग के समझ में आ गया हमें. अभी हम इस तरह से करेंगे कि हम उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी पर्सपेक्टिव देखेंगे, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर इसमें आता है कि क्यों करूँ और मुझे कब जरूरत होती है काउंसलिंग की, सिंपल है कि why and when do we need counseling? For moving continuously on the right path of success, you need to be sufficiently motivated, happy and energized. ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हो जाता है? जैसे हमारी पढ़ाई हो जाती है, हमारा कॉलेज वगैरह सब हो जाता है, अच्छी जॉब लग जाती है, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे फिर मैरिज लाइफ स्टार्ट हो जाती है. ये सब धीरे धीरे जो है हम आगे आगे इसमें हम बढ़ते चले जाते हैं. लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ आता है बॉटल नेक. उसके साथ साथ आते हैं बॉटल नेक्स. अभी बॉटल नेक्स क्या होते हैं? जैसे बॉटल में जो है अगर पानी डालना है, नीचे का हिस्सा तो बड़ा रहता है एकदम से, ऊपर जो एकदम छोटा रहता है, तो वो जो छोटा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, पानी को धीरे धीरे कर देता है, यानी कि थोड़ा सा क्या करता है, ऑब्स्टिकल ले आता है. तो बॉटल नेक जो है ना, ये बॉटल नेक का मतलब है कि तुम्हारे मतलब ये वो चीजें हैं कि जो तुम्हारे मोटिवेशन को या एनर्जी लेवल को रोकती हैं. तो बॉटल नेक इन द पाथ ऑफ सक्सेस, बॉटल नेक विच मीन्स एनीथिंग दैट रिड्यूसेस योर मोटिवेशन एंड एनर्जी लेवल. अभी बॉटल नेक क्या क्या हो सकते हैं? तो अभी बॉटल नेक हो सकते हैं तुम्हारा डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, डिफेंसिव बिहेवियर है थोड़ा सा, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, या फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, या वर्क प्लेस में कुछ बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कोलीग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फिजिकल इलनेस है तुम्हारी, या ऐसे बहुत सारे हो सकते. तो ये तो हो गए हमारे बॉटल नेक. ठीक है, तो जब ये बॉटल नेक हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे पाथ में आते हैं, तब हम जो है ये सही टाइम होता है कि हमें काउंसलिंग करवानी है. इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ दीज बॉटलनेक्स इन लाइफ, इट इज अ राइट टाइम फॉर यू टू गो फॉर अ काउंसलिंग. ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि काउंसलिंग क्या, स्पिरिचुअल काउंसलिंग क्या होता है,
फिर उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलिंग जो है वो कब करानी चाहिए, है ना, स्पिरिचुअल ही क्यों करनी चाहिए, उसके अर्थ हम आगे और बढ़ेंगे तब समझ में आएगा स्पिरिचुअल ही क्यों करनी चाहिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से ये अहेड है, ज्यादा बेनिफिटेड है, ठीक है। अभी ये करने के लिए इसमें सबसे पहले ना हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे कि जैसे अभी इमोशंस हैं, स्पिरिचुअलिटी हमको अभी प्रैक्टिकल में लाना है, अभी इमोशंस हैं हमको मैनेज करना है इमोशंस को, तो अभी अगर कोई इमोशंस को अगर मैनेज करना है तो हम कैसे, कौन सा हम क्या करेंगे उसके लिए। अगर मैं तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स अगर देती हूँ ऐसे, मैनेजिंग इमोशंस बाय यूजिंग द पावर टू डैश, तो व्हाट यू विल से, कौन सी पावर हम यूज करेंगे कि हम उसमें जो है हम इमोशंस मैनेज कर सके, कोई बता सकता है? इमोशंस मैनेज करने हैं हमको तो हम कैसे, या ये समझ लीजिए कि कोई हमारे घर में बीमार है, घर में हमारे बीमार है, ठीक है ना, तो हम इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अब इसमें कौन सी पावर है जो जिससे कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं, तो पावर है पावर टू फेस, यानी कि सोल की ये पावर होती है कि हमारे साथ कितना भी कुछ भी गलत हो जाता है लेकिन हम तक उसके बावजूद भी हमारे हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, हमारे नियर एंड जो लव है वो किसी की डेथ हो जाती है ना, कोई बहुत ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा बीमारी हो जाती है हमारे घर के आसपास होते हैं या हमारे घर में होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, लेकिन उसके बाद हमें दुख बहुत होता है उस चीज का, लेकिन हम उसको फेस कर लेते हैं। तो ये सोल की पावर है कि हम कितने भी मुश्किल आ जाती है तो हम उसको फेस कर लेते हैं, दिस इज द पावर ऑफ पावर टू फेस। अब ये जो है ना, ये तो हमें समझ में आता है कि हाँ फेस करना है सब कुछ है, लेकिन ये इसका मतलब ये होता है कि स्पिरिचुअली हम लोग हैं स्पिरिचुअली ही, मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम स्पिरिचुअल, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं कि वी आर स्पिरिचुअली डूइंग दिस थिंग्स। अगर हम उसको थोड़ा सा अवेयरनेस में करेंगे ना तो उसका जो रिजल्ट है जो बहुत देर के बाद रिजल्ट आने वाला है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, और जो बहुत देर के बाद जो हम बिल्कुल जो ठीक होने वाले हैं हम और जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अभी एक और दूसरा है कि सपोज मेरा प्लान जो प्लेन टिकट है ना वो कैंसिल हो गया, हाँ मुझे कहीं पर जाना था, मुझे दिल्ली मुझे फ्लाई करना था और पासपोर्ट मैं घर पे ही छोड़ दिया, और वो जो प्लेन है वो चला गया और मुझे पहुंचना था वहां पे, अभी क्या है, अभी हम अभी क्या करेंगे, तो उसमें क्या, उसमें कौन सी, अगर उसमें अगर मैं आपको फिर से ब्रेन ब्लैंक्स दूं, डीलिंग विद कैंसल प्लेन टिकट बाय यूजिंग द पावर टू डैश, तो यहाँ पे हमने कौन सी पावर यूज करी है, सोल की कौन सी पावर यूज करी है, यहाँ पे हमने यूज करी है पावर टू एडजस्ट किए। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो बहुत ज्यादा कोई पैनिक हो सकता है कि नहीं मेरे तो मैं तो दिल्ली भी नहीं पहुंच पाया, उसके बाद मेरा प्लेन का टिकट भी कैंसिल हो गया, ऊपर से पैसे भी खर्च हो गए और फिर उसके बाद मेरा टाइम भी चला गया, अब आगे कैसे होगा, वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, एक ऐसा बंदा है। दूसरा बंदा है ठीक है ओके, जो भी जो हो गया वो हो गया, ठीक है ना, जरूर इसके पीछे भी कोई अच्छा ही रीजन होगा कि जिस वजह से मैं उस प्लेन में बैठा नहीं, या मैं उस टाइम पे दिल्ली पहुंचा नहीं, या मेरा पासपोर्ट जो है भूल गया या खो गया, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रीजन होगा, तो ये भी हो सकता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, क्या हुआ, पावर टू एडजस्ट हो गया, तो ये भी सोल की ही पावर है। अगर ये पावर हमको मालूम है, हमें पता ही होती है एक्चुअली, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं, अगर पता है तो ये जो डीलिंग कर रहे हैं हम विद कैंसल प्लेन टिकट तो ये एकदम इजिली हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें और आगे बहुत सारे इस तरह के मैंने ब्लैंक्स करके रखे हैं, तो उससे पहले ना थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल टूल्स के बारे में बताती हूँ आपको। तो जैसे फर्स्ट है मैनेजिंग लाइफ, तो जैसे मैनेजिंग लाइफ में ऐसा आएगा, वी हैव टू नॉट स्टॉप लाइफ एंड टू टेक, अभी कैसे करना है हमको, सौरो जो है किसी को देना या किसी से लेना, वी हैव टू स्टॉप नाउ, वी हैव टू स्टॉप एंड टू गिव एंड टू टेक ऑफ सौरो, अभी क्या करना है, ओनली गिव एंड टेक हैप्पीनेस, ये हो गया मैनेजिंग लाइफ फर्स्ट। वी हैव टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम, यानी कि जैसे कि अभी प्लेन का मैंने बताया है कि उसका टिकट कैंसिल हो गया, द पर्सन इज देयर, अब उसने ऐसे सोचा कि ठीक है जो भी है, अभी जो उसका जो प्रेजेंट टाइम है अभी उसको कैसे वो यूटिलाइज करता है, दुख मना के यूटिलाइज करता है कि जो उसका नुकसान हुआ वो सोच के करता है कि ठीक है जो हुआ वो सही हुआ, ऐसे करके उसको, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम तो उसको जो पिछला जो टिकट वगैरह कैंसिल हो गया उसमें चला जाएगा,
प्रेजेंट टाइम को कैसे करता है, तो वी हैव टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम. ये स्पिरिचुअल टूल है, स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि ठीक है अभी का जो प्रेजेंट टाइम है उसको सही तरीके से कैसे यूज करना. तो दिस स्टेप कॉल्स फॉर स्पिरिचुअल पावर. ठीक है, अभी सेकेंड टूल है इसका पावर पैक ऑफ योगा, दैट इज योगा इज राज योगा एक्चुअली. इसमें मेडिटेशन जो है इट एनेबल्स अस नॉट ओनली टू डिस्कवर द मेथड फॉर असेसिंग अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ काम बट एक्चुअली टू बिल्ड अ लाइफस्टाइल अ डिजाइन फॉर लिविंग. इट्स टूल्स एंड लाइफ स्किल ट्रांसफर इजिली इनटू द सीन ऑफ लाइफ एंड चैलेंजेस वी फेस इन आवर डेली लाइफ. यहाँ पर मेडिटेशन जो कि राजयोग मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी अभी जो है मैं बहुत अभी बहुत परेशान हूँ, ठीक है मेडिटेशन कर लिया तो अभी इसी वक्त ही मुझे सिर्फ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये सिर्फ आगे के दो घंटे तक अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है. इसका जो पावर पैक ऑफ योगा का पावर पैक का मतलब ये होता है कि पूरा पैकेज मिल रहा है इसमें. इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को इतना चेंज कर देते हैं इसमें, ठीक है कि मतलब डिजाइनिंग कर लेते हैं अपने लिविंग की कि कैसे करना है अपने को, और जो है जो भी हमारी लाइफ में जो भी सीन आएंगे उनको हमको कैसे टैकल करना है, किस तरह से हमारी जो माइंड सेट है वो किस तरह से रहेगा, ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है. ठीक है, जो भी चैलेंजेस इवन अभी तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हो गए कि किसी के घर में डेथ होगी या जॉब चली गई, ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हो गए, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आते हैं हमारी लाइफ में. छोटे छोटे जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उसमें हमें गाड़ी का ब्रेक दबाना ही पड़ता है, ठीक है ना, एक्सेलेटर कम करना ही पड़ता है. तो फिर ये जो है छोटे छोटे ब्रेक्स आते हैं जो डेली के आते हैं हमारे, जैसे अभी कोई अगर हाउस वाइफ है उसके साथ उसके बच्चों के साथ स्प्रिट ब्रेकर होगा, हस्बैंड के साथ होगा, है ना, मदर इन लॉ के साथ होगा, फादर इन लॉ के साथ होगा, घर में दिन भर काम करना है इसका, तो खुद का होता है फिजिकल कुछ, तो ये छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर इनको मैनेज अगर हम कर लेते हैं बिल्कुल छोटे 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 तो फिर हम बड़ी चीज जो है मैनेज कर पाते हैं. लेकिन छोटे छोटे से क्या होता है कि हमारी जो सोल की जो पावर है धीरे 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 बढ़ती चली जाती है. छोटी छोटी चीजें जब हम मैनेज करते हैं धीरे धीरे बढ़ती है, और जब कुछ बड़ा कुछ ऐसा आता है तो वो हमें बहुत बड़ा नहीं लगता, वो बिल्कुल छोटा छोटा राई की जैसा लगने लगता है. तो ये जो है ये कौन भी पावर पैक ऑफ योगा मतलब राज योगा जो मेडिटेशन करेंगे उससे हमको ये सब चीजें हमको मिलेंगी, ये बेनिफिट्स मिलेंगे. अच्छा अभी जो मैंने आप लोगों को जो थोड़ा सा दो एग्जाम्पल बताए थे कि प्लेन टिकट कैंसिल हुई उसका और जो उससे पहले वाला एग्जाम्पल, तो उसमें कैसा है कि हमारी जो सोल की जो 8 पावर्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक्चुअली वो पावर है क्या. और वो पावर हर सोल में हर कोई उसको यूज भी करता है लेकिन अनअवेयर होके, किसी को अवेयरनेस नहीं है. अगर अवेयर होके करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है. तो 8 पावर्स से पहले उससे पहले एक स्टेटमेंट पढ़ती हूँ मैं. यू कांट ऑलवेज चेंज सिचुएशंस, यू कैन नेवर चेंज पीपल, द ओनली थिंग यू कैन चेंज योरसेल्फ. बारिश आ रही है बहुत तेज बारिश आ रही है, हम बारिश को रोक नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं, हवाएं चल रही है हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ हम क्या कर सकते हैं उसमें छाता लेके खड़े हो सकते हो. जो छाता जो है ना वो क्या करेगा, जैसे हमको प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारा अवेयरनेस है कि हमें छाता लेके खड़े रहना, लेकिन हम नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते. दूसरों को हमने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया उन पानी की बूंदों से. ऐसे ही है कि अगर सामने वाला जो है कैसा भी है किस तरह से भी वो हमारे साथ बिहेव कर रहा है वो हम तक ना पहुंचे उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने सामने जो है शील्ड लगानी पड़ती है. और वो शील्ड किसकी होती है, थॉट्स की शील्ड होती है. ठीक है, दिस पर्सन जो है ये बोल रहा है, ये उसका संस्कार है, ये उसके हिसाब से जितना उसका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी उसके बैक में जो कुछ भी हुआ है उसके साथ, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मुझे बोल रहा है या मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, लेकिन मैं मेरे तक वो मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं ऐसा उसके बारे में अपोजिटिवली नहीं सोच रहा. तो वो कहीं ना कहीं वो एक शील्ड जो है ना वो हमेशा लगाते रहते हैं. और वो जो शील्ड लगाना है कैसे लगाना है, ठीक है सबको पता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि ये सामने वाले मेरे लिए गलत कर रहा है तो मैं भी इसके लिए गलत करूँ, ये गलत सोच रहा है तो मैं भी, सबको पता है, कोई करना भी नहीं चाहता, लेकिन ऑटोमेटिकली होता है. क्यों होता है कि सोल की पावर अब इतनी वीक हो गई है कि वो उस टाइम हमें याद नहीं आती वो चीजें. जब वो सब कुछ हो जाता है लड़ाई झगड़े वो सब कुछ हो जाता है उसके बाद जाता है बेकार लड़ाई करी हुई, बेकार ही उसको गलत बोल दिया और उसको हम गिल्ट में आ जाते हैं. लेकिन जब हम जब हम स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशन सीखते हैं, ये सब हम करते हैं, उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, तो इंस्टेंट जब ये सिचुएशन हमारे सामने आई है कि सामने वाला इस तरह से जो है हमें नेगेटिव बॉल्स फेंक रहा है, हम उसकी तरफ पॉजिटिव बॉल फेंकते हैं, ऑटोमेटिकली अंदर से आ जाता है. ठीक है, तो ये हो गया. नाउ द ओनली थिंग यू कैन चेंज योरसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज रिटन, है ना. तो अभी सबसे पहले अभी हम पावर्स देखेंगे हमारी कौन सी 8 पावर्स है. इसलिए ये जो 8 पावर्स है ना ये अभी स्पिरिचुअल पावर्स हो गई है हमारी.
अभी इसको जो है अगर हम अपने इसमें देखते हैं, जैसे नवरात्र वगैरह में देवी पूजा करते हैं, नौ देवियां कहीं है ना। अच्छा, और एक दूसरा है कि हम देखते हैं आठ हाथ हैं, जैसे देवी के हैं तो यहाँ पे चार हाथ दिखाते हैं दूसरे, तो वो क्या है कि किसी के जो है आठ हाथ हो नहीं सकते, वो दिखाते हैं कि वो उनकी पावर्स है, पावर्स का वो सिंबलाइज किया हुआ है वो हाथ उनकी, जो फोर लेफ्ट एंड फोर राइट, उसमें कौन कौन सी पावर है, वैसे देवी का दिखाया जाता है पावर टू विदड्रॉ। इसमें से कुछ पावर्स का जो है वो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, पावर टू विदड्रॉ, पावर टू पैकअप, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर ऑफ जजमेंट, पावर टू फेस, पावर टू कोऑपरेट, पावर टू टॉलरेट। यू कैन थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ सुपर हीरो हैविंग एट पावर्स। देवी मतलब या देवी या कोई भी जो भगवान के दिखाते हैं या गणपति बापा के दिखाते हैं, जिसका भी जो चित्र दिखाया जाता है तो वो ऐसा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम इस यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छा है, यू कैन थिंक ऑफ योर सेल्फ एज सुपर हीरो हैविंग एट पावर्स। अभी एट पावर्स के बारे में अगर हम पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको ये पावर टू एडजस्ट बता दिया, पावर टू फेस बता दिया, अभी डीलिंग विद आर्ग्यूमेंट्स बाय यूजिंग द पावर डैश, डीलिंग विद आर्ग्यूमेंट्स बाय यूजिंग द पावर डैश, इसमें कौन सी पावर यूज कर रहे हैं हम? इसमें हम कौन सी पावर यूज कर रहे हैं? इसमें हम कर रहे हैं पावर टू लेट गो। ओके, लेट इट, डीलिंग विद आर्ग्यूमेंट्स by using the power to let go, ठीक है। Fourth है dealing with sudden changes to plans by using the power, अचानक plan में change हो गया, हम कर लेते हैं, बड़ी आसानी से changes कर लेते हैं हम बिना panic हुए। Power to adjust, ठीक है, ऐसा प्लान मैंने बनाया था, ये प्लान नहीं हुआ, अब ये प्लान कर रखा तो प्लान भी रेडी है, एडजस्ट कर लिया। ओके, डीलिंग विद सडन चेंजेस टू प्लान बाय यूजिंग द पावर टू एडजस्ट। फिर है अभी एक छोटा सा एग्जांपल ट्रैफिक जैम का, अगर हम देखते हैं ना ट्रैफिक जैम है, मुंबई में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैफिक जैम हो गया है और गाड़ियां पूरी लाइन से लगी हुई है, हाईवे पे ट्रैफिक जैम हो चुका है। अभी गाड़ी में जो है सब लोग अपने अपनी गाड़ी में, फैमिलीज भी बैठी हुई है, कोई सिंगल बैठा हुआ है, सब कुछ चल रहा है। अभी एक जन तो बहुत पैनिक हो रहा है, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, उनको लग रहा है हॉर्न से जो है वो आगे जा पाएंगे, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है। फिर दूसरे जो है वो गाड़ी से उतर रहे हैं, सामने वाले भी गाड़ी से उतर रहे हैं, वो बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इवन दे आर थिंकिंग कि ठीक है अगर वो लोग नहीं, वो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ठीक है हम ऐसी बातें करेंगे और झगड़ा करेंगे तो ट्रैफिक जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब उसमें एक थर्ड पर्सन भी है, वो अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, पूरा जो है उन्होंने ये विंडोज वगैरह जो है सब क्लोज कर दी हैं, अंदर उन्होंने म्यूजिक लगा दिए हैं और आराम से बैठ के जो है वो देख रहे हैं, यहाँ आके बंद करके जो है एक अच्छे से म्यूजिक जो भी लगाया हुआ है उन्होंने उसमें बैठ के वो आनंद ले रहे हैं। फिर उसके बाद फोर्थ जो पर्सन है, फोर्थ गाड़ी में, वो क्या कर रहे हैं, बैठे हैं और सिर्फ जस्ट एक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ क्या क्या चल रहा है, ठीक है। फिफ्थ पर्सन वगैरह की चलो ठीक है, इसमें दोस्तों से बात नहीं हुई है बहुत दिनों से, अभी मुझे टाइम मिल गया, अभी मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स को कॉल कर लेता हूँ जिन जिन से बातें करनी है, ठीक है बात हो गई मेरी, ठीक है। वो अपने फ्रेंड से जो बात कर रहा है, वो जो टाइम जो एक घंटे का डेढ़ घंटे का फ्रेंड से बात करके बिल्कुल आराम से निकालते हैं, जो कि वो कभी कर नहीं पाते, ठीक है। और कुछ लोग हैं वो ट्रैफिक जैम में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरा गाड़ी बंद है, अंदर जो है वो बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, जस्ट एक ऑब्जर्व करके और मेडिटेशन कर रहे हैं अच्छी तरह से। कुछ है वो नेट पे खोल के अच्छा अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं, इस तरह से सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सब अलग अलग सिचुएशन वही है लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। अभी ये कौन कर सकते हैं, जिस सोल की जितनी ताकत होगी, जितनी एनर्जी होगी, वो उस हिसाब से जो है वहां पर रिएक्ट करेगी। अभी ठीक है ये सब सिचुएशंस होगी, अभी क्वेश्चन यही आता है कि सोल की पावर बढ़ानी कैसे, मैं कैसे चुप रहूँ, ट्रैफिक में भी मुझे यहाँ पे पहुंचना था है ना, और ये इतना ट्रैफिक जैम हो गया, मैं कैसे चुप रहूँ,
ये कैसे होता है, जब तुम कंटिन्यूस मेडिटेशन और ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन तुम करते रहते हो, तो उसका मैसेज चेहरा कि तुम्हारे अंदर से तुम्हें आवाज आएगी कि नहीं, ये जो कुछ हुआ ना बहुत अच्छा हुआ है, रोज मैं उस रोड से जाता था, आज वहां पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती, मेरी गाड़ी की कुछ गड़बड़ होती या मुझे कुछ हार्म होता, कुछ तो होता, अच्छा इससे बेटर है कि ट्रैफिक में फंस के सेफ रहना, इससे बेटर ऐसे भी सोचा जा सकता है। यानी कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो हर किसी भी सिचुएशन में उसका जो पर्सपेक्टिव होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव सोच ही नहीं सकता, वो नेगेटिव आएगा ही नहीं उसके अंदर, वो नेगेटिव से कहीं, क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं ना तो हमारा ऑरा भी जो है ना वो पॉजिटिव ही हो जाता है पूरा का पूरा, तो नेगेटिव चीजें आती हैं हमारे दिमाग में, वो नेगेटिव चीज आ नहीं सकती है कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं लेट पहुंचूंगा, मेरा बॉस ऐसा बोला, ऐसा कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए ये स्पिरिचुअल जो मेडिटेशन या स्पिरिचुअल से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी आजकल जो है SQ लेवल जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो SQ लेवल जिसकी बहुत अच्छी होती है बहुत कामयाब होता है। फिर उसके बाद एक और अब जिसे बताती हूँ, तो ये क्या है, कोपिंग विद द ट्रैफिक जैम्स बाय यूजिंग द पावर टू डैश, तो वो आ जाता है पावर टू डिटैच, मतलब अपने आप को डिटैच कर लीजिए, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और खुद की भी इंटरनल पावर बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है डीलिंग विद द फॉरगेटफुल लेबर बाय यूजिंग द डैश, यूजिंग द पावर डैश। अभी इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉरगेटफुल लेबर का मतलब क्या है कि एक नेबर है ना मेरे नेबर में, अभी इस टाइम मैं 6 to 7 जो मेडिटेशन करती हूँ, और वो जो नेबर है बड़ा उसी वक्त पे वो क्या करते हैं, कुछ तो उनका म्यूजिक है ना वो चलाते हैं, स्पीकर भी ज्यादा थोड़ा सा तेज होता है, तो एक दो बार ऐसा हुआ कि उनको मैंने 2-3 बार पास में जाके उनके घर पे जाके उनको बोला कि आप क्या करिए, आप तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा आपका ना वॉल्यूम कम कर दीजिए स्पीकर का, जो भी टीवी चलाते हैं इस टाइम हमारे मेडिटेशन हो रहा है, वो यस यस बोलते हैं, अच्छे बंदे हैं, यस यस बोलते हैं, सब कुछ ठीक है अच्छा, लेकिन जब वो टाइम आता है तो वो भूल जाते हैं, तो उनका वैसे ही चलता रहता है, ऐसे एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। तो फिर अभी अभी क्या करना है, क्योंकि हमने बोला कि हमें यहाँ पे पावर यूज करनी है, अभी क्या पावर यूज कर दी है, अभी नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि उसी टाइम पे जब 6 बजे का मेडिटेशन, उससे पहले ही 5:30 बजे 6:45 बजे कुछ तो अच्छी मिठाई उठाई बना के घर में जो बनाया था अच्छे से, वो ले जाके जो है उस बंदे को दे दिया। इज वेरी हैप्पी, चलो भाई उस टाइम जो है उनको दे दिया कुछ, तो 5:30 बजे दे दिया उन्होंने, वो खा लिया, बहुत अच्छा लगा उनको। अभी अभी वो आगे की सिचुएशन ऐसी हुई कि उस टाइम जब 6 बजे का टाइम आया तो खुद बंदे ने खुद आके देखा कि मेरा जो ये जो वॉल्यूम है स्पीकर का या टीवी वॉल्यूम बढ़ा था ना, उन्होंने आके खुद ही बंद कर दिया, उसके बाद से 6 से 7 बजे तक कभी भी शोर सुनाई नहीं देता। यानी कि क्या हुआ कि वो नेबर जो इरिटेट कर रहे थे क्योंकि स्पीकर चला चला के, मतलब उनको खुद ही याद नहीं, कोई जानबूझ के करता है, कोई जानबूझ के नहीं करता, तो लेकिन ये जो है ना पावर ऑफ, इसको हमने क्या किया, पावर टू लव से इसको कोप अप कर लिया, डील कर लिया, मतलब डीलिंग विद द फॉरगेटफुल नेबर बाय यूजिंग द पावर टू लव, यानी कि बड़े प्यार से कुछ बना के जो है उनको खिला दिया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, और जो नेक्स्ट टाइम से जो है कभी भी वो स्पीकर का जो है कभी वो इशू नहीं है। मतलब ये डेली रूटीन की चीजें हैं जो हम स्पिरिचुअलिटी को डेली रूटीन में किस तरह से ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है बीइंग अ फुल टाइम केयरर एंड यूजिंग द पावर टू डैश, मतलब अभी जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरी मदर हैं, उनका कुछ तो पैर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, अभी घर में है, पूरा दिन भर उनकी सेवा करनी है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकती हैं, उसमें हो सकता है कि वो थोड़ा सा फीवर आता है, सब कुछ होता है, बीमारी है तो चिल्लाए थोड़ा सा, बहुत इरिटेट करें, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ऐसा नहीं, मुझे वैसा चाहिए, मुझे इतनी लाइट नहीं चाहिए, मुझे कम लाइट चाहिए, मुझे ज्यादा लाइट चाहिए, ठीक है, जो कुछ भी है ये इस तरह से करेंगे, तो हम वहां पे कौन सी, जबकि मदर है वो, तो अब हम कौन सी, किस तरह की पावर, जो ज्यादातर जो सिस्टर्स होती हैं हॉस्पिटल में, जो सिस्टर्स होती हैं वो इस पावर को यूज करते हैं, पावर टू टॉलरेट, क्योंकि पेशेंट जो है वो कुछ भी डिमांड करते रहते हैं, कुछ भी इरिटेट करते रहते हैं उनको, तो द बीइंग अ फुल टाइम केयरर एंड यूजिंग द पावर टू टॉलरेट, ठीक है। नेक्स्ट है फेसिंग अ न्यू जॉब बाय यूजिंग द पावर ऑफ डैश, न्यू जॉब है, नया नया काम है, बहुत सारा काम, ये भी करना है वो भी करना है, तो उसमें भी जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है कि अब ये भी करना है, नया बॉस है, नए कलीग्स हैं, उनकी सारी जो नजरें जो है वो जो जिसका न्यू जॉब है उस पर ही रहती है, तो भी कैसे करे हो ये, यहाँ पर कौन सी पावर काम आएगी, इरिटेट हो जाता है, ये भी काम बताते हैं वो भी काम बताते हैं, जल्दी जल्दी होता नहीं है, समझ में नहीं आता है, इधर है फेसिंग द न्यू जॉब बाई यूजिंग द पावर ऑफ साइलेंस,
साइलेंस की पावर से हम इसको डील कर सकते हैं. ड्राइविंग द स्कूल बस बाय यूजिंग द पावर टू कंसंट्रेट, जो ड्राइवर है उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है बाय यूजिंग द पावर टू कंसंट्रेट. देन कोपिंग विद सीवियर बॉडी पेन बाय यूजिंग द पावर टू डिटैच. इधर भी बॉडी जो है मेरी बहुत ज्यादा दर्द हो रही है. अब सिर्फ बॉडी दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है. बार बार जब हम अपनी बॉडी को ये दे देते हैं कि मेरी बॉडी बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं उस टाइम, खुद ही हम अपनी बॉडी को बार बार दे रहे हैं. दर्द तो वो हो ही रही है, चोट लगी है, दर्द तो वो हो ही रही है, लेकिन और दे रहे हैं, और दर्द हो जाओ, और दर्द हो जाओ. हर एक एक बॉडी के हर एक सेल को हम और दर्द देते जा रहे हैं. ठीक है, तो फिर अभी इसमें कैसे करेंगे, अब इसमें यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी कैसे काम आएगी. अभी इसमें इसमें जो है जब मेडिटेशन में ऐसा होता है कि ठीक है अभी ये बॉडी है, मैं सोल हूँ, है ना, तो आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, मैं बॉडी से बिल्कुल डिटैच हूँ. इस तरह का मेडिटेशन ये पूरा पूरा है. ये इस तरह मेडिटेशन करके हम ये कर सकते हैं कि मैं तो सोल हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, आई हैव 8 पावर्स है, और ये मेरा शरीर है, मैं खुद सोल जो है मेरे शरीर को ठीक कर सकता हूँ. इस तरह के अपने आप को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन देने से भी जो बॉडी पेन जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक बहुत कम हो जाता है. मतलब वो इतना हमको इरिटेट नहीं कर पाता है कि जितना कि अगर हम उसको बार बार लेते. फिर हमारे दूसरा पॉइंट ये होता है कि मेरी बॉडी दर्द हो रही है, बार बार हम उसको देते रहते हैं. बेटर ये कि हम उसको ये दें कि ये जो बॉडी है मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मेरी बॉडी जो है अब तक मेरी बॉडी ने मेरा साथ दिया है. जो भी बॉडी का जो भी पैर दर्द हो रहा है, मान लो नी दर्द हो रहा है, आज तक नी ने जो उस नी को थैंक यू कहा जाए, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच, है ना, अपने घुटनों को उसके ऊपर हाथ रख के उसको सहला के, या आज तक तुमने मेरा साथ दिया है, आज तक मैं तुम्हारे सहारे चली हूँ या चला हूँ, ठीक है, अभी इससे आगे भी तुम मेरा साथ दोगी. ये सब उस टाइम जब दर्द हो रहा हो तो इस टाइम अगर हम अपनी बॉडी थोड़ा सा इस तरह से थॉट का थोड़ा सा चेंज कर लेना तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ता है. स्पिरिचुअलिटी जो है हमें यही सिखाती है कि किस तरह से अपने डेली अपने थॉट पैटर्न को कैसे चेंज करना है, यही जो है हमें ये सिखाती है. ठीक है, तो ये होता है हमारा स्पिरिचुअल काउंसलिंग का. इसीलिए स्पिरिचुअल काउंसलिंग बहुत जरूरी है, ये हमें डेली डेली का काम जो है हमारा इजी हो जाएगा अगर स्पिरिचुअली हम कोई भी चीज करते हैं. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. अभी मैं इस सेशन को एंड करती हूँ बिकॉज टाइम भी अब हो रहा है. ठीक है, 40 मिनट्स टाइम लिमिट है. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.